यहाँ पे सबसे पहले वेज पिज़्ज़ा पैटी की हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी और इसमें हम ऐड कर देंगे 3 कलियाँ लहसुन की और इसको हल्का सा हम सोटे होने देते हैं। तो जैसे ही लहसुन थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 प्याले के करीब प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। अगर यहाँ पे आपके पास लाल शिमला मिर्च हो तो वो भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हमारी हल्की सी सोटे हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हमने इनको ओवर कुक नहीं करना है। अभी इसमें कुछ मसाला जार जो है वो ऐड कर देते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। और इसको भी मिक्स करते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर देंगे नमक। अभी इनको हम यहाँ पे मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो भी सब्जियों का या जो सॉस वगैरह हमने डाले हैं उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे फिलिंग हमारी तैयार है। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं और अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 केजी के करीब आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैशर की मदद से देखिए बहुत अच्छे से आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे नमक और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लावर। बस इसको हम इसमें ऐड करके तो अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे आलूओं का भी मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथ पे हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम हाथ पे रख के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी हैं वो हम इसमें इस तरह से जो है वो फिल कर देते हैं। और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी चीज़, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से और मिक्सचर लगा के तो इसको हम जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये देखें जी, हमारी वेज पिज़्ज़ा पैटी जो है वो तैयार हो गई है। तो बाकी भी सारी इसी तरह से ही रेडी कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पे हमारी सारी पैटीज़ जो हैं वो तैयार हैं। अभी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि पैटीज़ हमारी जो है वो सेट हो जाएं। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। पैटीज़ के साथ एक मज़ेदार सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 प्याले के करीब मैंने दही लिया है, 1/2 प्याली ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप, मेयोनीज और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड सॉस, 1/2 टीस्पून नमक, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ओरिगैनो। तो इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सॉस जो है वो तैयार हो गई है। पैटिस को कोट करने के लिए यहाँ पे हम एक स्लरी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, नमक और इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे स्लरी भी हमारी तैयार है और मैंने ब्रेड क्रम लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स, इससे जो पैटीज का कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो ये देखिए जी, इसको मैंने फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख दिया था, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं और अभी यहाँ पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिप करते हैं स्लरी में और उसके बाद हम इसको ले आएंगे क्रम में।
ये देखें चिली फ्लेक्स से और ओरिगैनो से हमारी पैटीज जो हैं वो कैसी खूबसूरत कलरफुल लग रही हैं जी। तो इसी तरह ही बाकी भी सभी पैटीज को हम कोट कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पे हमारा गरम हो गया है, तो अभी हम पैटीज को इसमें इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी एक साइड से कैसा अच्छा खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है। अभी हम इनकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इस ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी कैसी मज़ेदार पैटीज जो हैं वो हमारी तैयार हुई हैं।